चैन मेरे डियर साथी, मैं हूं विकास कुमार। आज हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स डी फार्मा फर्स्ट ईयर का। ये पूरे बुक की जितनी आपकी इम्पोर्टेंट टर्म है, क्या जितने आपके बुक में इम्पोर्टेंट टर्म है उसे हम क्या करेंगे, वन शॉट वीडियो में हर एक टॉपिक को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, उसमें हमें क्या पूरा हर एक शॉट को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। और चीज़ें रहीं जो सुपर 25 क्वेश्चन है, तो आप एज इट इज जाके देख सकते हैं। कोग्नोसी का तो लगभग 80 से लेकर 90% एज इट इज उसमें से मैच कर गया था। रही बात सुटिक्स की, सुटिक्स का बहुत सारे बच्चे कहें कि सर थोड़ा सा पेपर डिफिकल्ट था। हम भी मानते हैं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि घुमा के ज़्यादा क्वेश्चन हुआ पूछा था उसमें। ठीक है, तो उसमें भी लगभग 70% क्वेश्चन एज इट इज मैच किया गया है। ठीक है, तो आप केमिस्ट्री ही सुपर 25 क्वेश्चन का लिंक इसी में दे देंगे, उसे आप ज़रूर देखिएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका यहाँ से फार्मास्यूटिक इम्पोर्टेंट टर्म। यदि टर्म पता रहेगा तो कोई भी चीज़ यदि आए तो उसी से को रिलेट करके ही लिखिएगा। नहीं बोलते सर कापी भर के आएंगे, तो कापी भर के आने का मतलब अंटक संटक नहीं लिखना, यानी जो टर्म है उसी से रिलेट करके आपको क्या कर देना, लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा वीडियो। ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। सबसे पहले दे रखा है टर्म एरर। अब एरर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन मेजर वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। क्या होती है डिफरेंस वैल्यू, मेजर वैल्यू और यानी ट्रू वैल्यू के जो बीच में डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। जैसे हमारे पास ट्रू वैल्यू ये क्या है, 5 सेंटीमीटर। अब हमें मेजर करने में लगभग कितना आ सकता है, 5.1 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 mm का क्या है, डिफरेंस है। या यहाँ पर देखा जाए 4.99 दे रखा, तो ये भी कितना, 1 mm का डिफरेंस है। तो वो जो थोड़ा सा डिफरेंस है ट्रू वैल्यू से, देखो मेजर वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंस है, उसी को क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी क्या होती है, नियरेस्ट या क्लोजेस्ट वैल्यू ऑफ द मेजर वैल्यू एंड एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड वैल्यू। मतलब क्या होता है, नियरेस्ट तथा क्लोजेस्ट वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जो आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू है उसके नियरेस्ट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या बेटा, क्या बोलते हैं, एक्यूरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से दे रखा, मान लेते हैं आप जो सर्कल नहीं होता मेला वाला मारने वाला, किसी पर तीर मारेंगे, जो बीच में मार दिया वो बढ़िया उसका क्या करेगा, ये इनाम रहेगा। तो देखिए आपका जब इस पे एग्जैक्ट लगे, इस पे जब एग्जैक्ट लगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्यूरेट, बहुत गजब मारा, एक्यूरेट मार दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्यूरेसी बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं प्रिसीजन। अब प्रिसीजन क्या होता है, नियरेस्ट या क्लोजनेस आप द टू आर मोर, यानी मोर मेजरमेंट टू ईच अदर इज नोन एज प्रिसीजन। मतलब क्या हो गया, ये नियरेस्ट यानी जो आपका ये टारगेट पॉइंट है इसके दूर भी हो सकता है, ठीक है, और यानी नज़दीक भी हो सकता है, और ये जो जितने भी मार रहे ये अपने में क्या रहे, प्रिसीजन अपने में ही क्या रहे, क्लोजेस्ट रहे। देखिए ये तीनों हैं तो लगभग अपने में देखा जाए तो तीनों नज़दीक हैं कि नहीं, तो इसी को क्या बोलेंगे, प्रिसीजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रिसीजन बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर देख लेते हैं, क्या लिखा है, ए नंबर कंसीडर विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ द डेसिमल पॉइंट लेफ्ट एंड राइट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब क्या होता है, मतलब जब यानी 11th में पढ़े होंगे, मतलब कहते हैं 9.101, तो यानी पॉइंट के रिस्पेक्ट में इधर उधर जो वैल्यू है उसी को क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। ठीक है, अब इसके रूल वगैरह को देखना रहेगा तो आप प्ले लिस्ट में फार्मास्यूटिक केमिस्ट्री में जाके सब कुछ डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट पे आते हैं इम्प्योरिटी। अब इम्प्योरिटी क्या होती है, अशुद्धियाँ समझते हैं कि नहीं, उसी को क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी बोलते हैं। लिखिए, जनरली इम्प्योरिटी मीन एनी अनवांटेड एनी अनरिलेवेंट थिंग्स प्रजेंट इन द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आर कॉल्ड इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी तुम्हारा एक ऐसा सबस्टेंट होता है, इसका मतलब ऐसा चीज़, मतलब कोई आपका सबस्टेंट है उसमें कोई चीज़ मिलावट हो जाए, वो हमारे लिए अनवांटेड हो, मतलब हमारे लिए अनवांटेड और हमारे लिए अनरिलेवेंट हो, तो उसी को क्या बोलेंगे, इम्प्योरिटी, मतलब अशुद्धियाँ बोलेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट पे आते हैं लिमिट टेस्ट क्या होता है। जैसे लिमिट टेस्ट आप आर्सेनिक सुने होंगे, लिमिट टेस्ट क्लोराइड सुने होंगे, लिमिट टेस्ट आयरन सुने होंगे, तो ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि नहीं, तो वो चीज़ें लिमिट टेस्ट को डिफाइन कैसे करेंगे। देखिए लिमिट टेस्ट इज डिफाइन एज ए क्वांटिटी एंड सेमी क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी एंड सेमी क्वांटिटी टेस्ट विच आर परफॉर्म टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी विच मे अकर इन द सबस्टेंट आर कॉल्ड टेस्ट वैल्यू। मतलब क्या होता है, लिमिट टेस्ट एक ऐसी होती है जो क्या बताती है, क्वांटिटी को बताती है और सेमी क्वांटिटी को बताती है, जब टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं तो आइडेंटिफाई करना और कंट्रोल करना किसी भी एम्पाउर यानी अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी। जैसे मान लेते हैं आपको कोई एक
टेस्ट लिए, मतलब एक कंटेनर लिए उसमें कोई सोल्यूशन है, तो उसमें कितने नंबर आप तुम्हारे क्या होते इम्प्योरिटी प्रजेंट है, स्मॉल क्वांटिटी में प्रजेंट है कि लार्ज क्वांटिटी में प्रजेंट है, उसी क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए जिस जो चीज़ करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, लिमिट टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिमिट टेस्ट बोलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा क्या, यानी हीमेटेनिक्स। अब हीमेटेनिक्स क्या होता है, नाम से पता था कि हीम ग्रुप जुड़ा तो समझ लो हीमोग्लोबिन यानी आयरन से संबंधित है। ठीक, ऐसे टर्मोलॉजी समझेंगे तो आपको इजी हो जाएगा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने में। हीमेटेनिक्स आर द ड्रग्स यूज टू इंक्रीज द हीमोग्लोबिन इन ब्लड। हीमेटेनिक्स एक ऐसा सबस्टेंट होता है या ड्रग्स होता है जो इंक्रीज करता है हमारे ब्लड में, क्या हीमोग्लोबिन को बढ़ा देता है, उसी को क्या बोलते हैं, हीमेटेनिक्स बोलते हैं। यूज टू ऑफ द क्योर एनीमिया। अब यानी क्योर एनीमिया, एनीमिया समझते हैं, जो आयरन की डिफिशियंसी होती है, आयरन की कमी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। तो उसे ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, हीमेटेनिक्स का यूज करते हैं। एग्जांपल में देखा जाए तो फेरस सल्फेट और फेरस फ्यूमरेट इसका एग्जांपल है। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। एंटासिड क्या होता है, एंटासिड आर द सच सबस्टेंट विच आर यूज टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। मतलब क्या होता है, एंटासिड एक ऐसा सबस्टेंट होता है जो हमारे पेट में, मतलब हमारे पेट में जो यदि गैस की अमाउंट क्या हो गई है, गैस की मात्रा ज़्यादा हो गई हो, तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए जिसका यूज करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, हम एंटासिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटासिड बोलते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब क्या होता है, टॉपिकल एजेंट क्या होता है, टॉपिकल एजेंट क्या होता है, दोज एजेंट या सबस्टेंट विच आर यूज अप्लाई ऑन द एक्सटर्नल एरिया। ठीक, अप्लाई ऑन एक्सटर्नल एरिया सच एज स्किन, ईयर, आई, उसी को हम क्या बोलते हैं, मतलब एक ऐसा सबस्टेंट होता है केवल या केवल बाहर यूज किया जाता है, जैसे आप स्किन पे यूज कर सकते हैं, आई पे यूज कर सकते हैं, ईयर पे यूज कर सकते हैं, इन सब पे यूज कर सकते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, टॉपिकल एजेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखा जाए हाइड्रोजन परऑक्साइड तथा बोरिक एसिड, जैसे क्रीम व्रीम नहीं लगाते हैं, खूब लभोर लेते हैं बढ़िया से, मतलब एक्सटर्नल लगाते हैं, ऐसा कि नहीं मतलब पेटवा के अंदर में हथवा डाल के लगाते हैं, ऐसा नहीं केवल चेहरे पे लगाते हैं, स्किन पे लगाते हैं। ठीक है, अब आते हैं किस पे, ट्रॉपिक यानी डेंट्रीफाई। अब डेंट्रीफाइज क्या होता है, दतमंजन का नाम सुने हैं कि नहीं, दतमंजन का नाम नहीं सुने होंगे, लिखे होंगे डाबर लाल दतमंजन, हम सब लोग पहले रहते थे लाल कलर का आता था, दतुअन में लेकर खोब रगड़ते थे। ठीक है, तो डाबर लाल दतमंजन वो डस्ट पाउडर के फॉर्म में आता था। देखिए डेंट्री यानी डेंट्रीफाइज इज ए सबस्टेन यूज टू क्लीनिंग द रिचेबल सरफेस ऑफ टीथ विथ ए क्या टूथ ब्रश। मतलब क्या होते हैं, हम टूथ ब्रश के माध्यम से क्या कर देते हैं, किसी भी सबस्टेंट को क्लीन करने के लिए क्या कर देते हैं, यूज करते हैं, उसी को डेंट्रीफाइड दतमंजन बोलते हैं। दांत को मांजने वाला सबस्टेंट दांतमंजन कहलाता है, समझे कि नहीं, समझ गए। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट और हमारा कैल्शियम फास्फेट इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब मेडिसिनल गैसेस क्या होती हैं, ऐसी गैसेज जो मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज की जाती है, जैसे हॉस्पिटल में सुने कहेंगे यार हाउ बीमार पड़ गया उनके ऑक्सीजन लग गया हो कैसे बचाना है, तो ऑक्सीजन लगा तो कौन सी गैसेस, वो तुम्हारी कौन सी गैसेस है बेटा, जल्दी बोलिए यार, बोल दिए होंगे कितने लोग, ऑक्सीजन वो मेडिसिनल गैस है, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब तुम्हारे मेडिसिनल गैस के अंतर्गत आती हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एनेस्थेटिक थोक, अब आते हैं कि इस पे एनेस्थेटिक होता क्या, मतलब सुन्न, कहते हैं यार डॉक्टर साहब भाई ठीक चोट लग गई बा मगर टाँकाओं का चलिए सुन्न कह के चलिए, ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा दर्द हो। तो एनेस्थेटिक एक ऐसा सबर ठेटो जो सेंस यानी सबस्टेंस होता है जो क्या कर देता है, किसी चीज़ को सुन्न करने में मदद करता है। लिखा क्या है, एन एनेस्थेटिक इज ए ड्रग या एजेंट डैट प्रोड्यूज ए कम्प्लीट या पार्शियल लॉस ऑफ सेंसेशन। मतलब क्या होता है, यानी एनेस्थेटिक एक ऐसा ड्रग्स होता है जो हमारे सेंस को, जैसे यहाँ पर कोई मार दिया, जैसे हम यहाँ पर ऐसे मार दिए, ठीक है, ऐसे मार दिए, तो हमारे अंदर सेंस है कि मतलब यहाँ कोई हमें मार रहा है या चींटी काट रही है, सब काट रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को लॉस कर दिया जाता है, चाहे पूरा कर दिया जाता है चाहे पार्शली कर दिया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, एनेस्थेटिक बोलते हैं। जैसे ऑपरेशन होता है पैर का, तो क्या कर देते हैं, पूरी तरह से हम क्या कर देते हैं, सुन्न कर देते हैं उस एरिए को। ठीक, या मान लेते हैं अंगुली का, यहाँ तुम्हें नाखून यानी नाखून निकल गया, अब यहाँ तुम्हें टाँका लगाना, तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, लोकल एनेस्थेटिक लगा देंगे, मतलब सुन्न कर देंगे, उसके बाद वो ट्रीटमेंट कर देंगे, अपना काम हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल थियोपेंटाल सोडियम है, यानी कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड इसका एग्जाम्पल है। ठीक, अब देखो सेडेटिव तथा हिप्नोटिक्स क्या होता है, अब सेडेटिव तो क्या होता है, जो ब्रेन एक्टिविटी को स्लो कर दे। लिखा क्या है, सेडेटिव आर द टाइप ऑफ ड्रग दैट स्लो डाउन योर ब्रेन एक्टिविटी। मतलब सेडेटिव एक ऐसा सबस्टेंट होता है, एक तरह का ऐसा ड्रग्स होता है जो हमारे ब्रेन एक्टिविटी को क्या कर दे, स्लो डाउन कर दे, उसी को हम सेडेटिव बोलते हैं। ठीक,
अब देखिए यदि सेडेटिव देखा जाए तो जनरल एनेस्थेटिक की तरफ यूज करते हैं, जनरल एनेस्थेटिक की तरफ इसे यूज करते हैं, इसे हम सेडेटिव बोलते हैं। ठीक, अब हिप्नोटिक्स क्या होता है इसी में ये देख लेते हैं। हिपोनेट यानी हिपोटेनिक्स एक ऐसा सबस्टेंट होता है, ठीक है, हिप्नोटिक ऐसा सबस्टेंट होता है मेडिसिनल यूज टू इंड्यूस द इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्लीप, मतलब जो किसी को नींद नहीं आई, कैसे डॉक्टर साहब 2-3 दिन से नींद ये नहीं आवाला, रतियाँ रतियाँ भर जा गिला तो समझाता हूँ कि प्यार हो गए बस समझा, ठीक है ना ही मरे वो तो चला, ठीक। तो मतलब उसे इम्प्रूव कराने के लिए जिस ड्रग्स की यूज की जाती है उसे हम हिप्नो यानी क्या होता है हिप्नोटिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए तो अब क्या हो गया, डाइजापाम हो गया, अल्प्राजोपाम इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं एंटी साइकोटिक होता क्या है, लिखा दोज एजेंट विच आर यूज टू ट्रीट यानी साइकोटिक डिसऑर्डर, मतलब क्या होता है यानी एंटी साइकोटिक एक ऐसा एजेंट होता है जो साइकोटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए किया जाता है उसे हम एंटी साइकोटिक ड्रग्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखा जाए हेलोपेरिडॉल हो गया और रिस्प्रीडॉन इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं क्या एंटी कॉन्सुलेंट होता क्या, ठीक है, एंटी कॉन्सुलेंट आपको दिख रहा है कि नहीं भाई, दिख रहा होगा, ठीक है। एंटी कॉन्सुलेंट पे आते हैं जैसे मिर्गी ने सुने कहते हैं मिर्गी इनका हो गया दवा करा दिया सही हो जाता, तो क्या लिखा है दो सबस्टेंट विच आर यूज टू ट्रीट सीजर, सीजर मतलब मिर्गी, मिर्गी को ट्रीट करने के लिए जिस दवा का उपयोग किया जाता है जिस सबस्टेंट का यूज किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं एंटी कॉन्सुलेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए तो यानी फिनोटेनोइक हो गया, वल्पूरिक एसिड हो गया, ये करता क्या है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये क्या कंट्रोल कर लेता है जिससे हमारी सारी एक्टिविटी एटलीस्ट उसी के कंट्रोल में रहती अपना काम हो जाता है, ठीक है। ठीक, अब यहाँ से लिखा है एंटी डिप्रेसेंट क्या होता है, अब इसके बारे में सुन लिखिए, दोज सबस्टेंट विच आर यूज टू वर्क अगेंस्ट द डिप्रेशन इज नोन एज एंटी डिप्रेशन, मतलब इसे गाना है चल जाइबा राजा डिप्रेशन में, तो उसे डिप्रेशन को सही करने के लिए जिस मेडिसिन का यूज किया जाता है उन्हें डिप्रेशन की दवा दे दीजिएगा, ठीक है। कहते हैं यार बहुत डिप्रेशन में चली गई, मलिया छोड़ के चली गई है, ठीक है, तो वो जब छोड़ के चली गई है तो उसके डिप्रेशन को सही करने के लिए जिस सबस्टेंट का यूज करते हैं उसी को एंटी डिप्रेसेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखा जाए तो एमीट्रापी ट्राइलिन होता है हाइड्रोक्लोराइड या आपका फ्लुजेक्डीन होता है इसका एग्जाम्पल है ये, ठीक। अब यानी क्या होता है एडनर्जिक एंड यानी एगोनोस्टिक क्या होता है एंटागोनोस्टिक दूसरा होता है, ये एगोनोस्टिक है, ध्यान से वर्ड को सुनिएगा, एडनर्जिक एगोनोस्टिक क्या होता है दोज सबस्टेंट विच यानी विच वर्क अगेंस्ट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम दो तरह का होता है एक सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एक हमारा पैरासिंपैथिक नर्वस सिस्टम, ठीक। तो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम किसी भी चीज़ को क्या कर देता है इंक्रीज कराने में मदद करता है, ऐसे कहते हैं अरे मार कोनो दिक्कत नहीं हम बाटी ने, ठीक, तो मगर हमारा दूसरा मन कहता है यार नहीं मार कहीं हुआ तो उसे हमसे ज़्यादा बलवान रही तो पीट देता हूँ कि बरिया रे मना ही हो जाएगा, तो सिंपैथिक क्या कर देता उसी को कंट्रोल करने के लिए हम क्या एडनर्जिक एगोनोस्टिक का यूज करते हैं। दे इनहिबिट द एडरेनालिन, हमारे क्या होता है हमारे ये एडरेनालिन एक हार्मोन है, मतलब ये कहाँ से निकलता है आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए ये कहाँ से रिलीज होता है, ठीक, किस हार्मोन के कहाँ से निकलता है हम बता देते, किडनी के जस्ट ऊपर पाया जाता है। अब उस हार्मोन का नाम यानी सॉरी उस ग्लैंड का नाम निकालिए जो ये सबस्टेंट निकालता है, ये एक्चुअली करता है कि आप बाइंडिंग द दिस ऑफ द यानी स्पेशल रिसेप्टर, मान लेते हैं ये जो यहाँ से मैसेज आ रहा है, ठीक है, मैसेज आ रहा है उसी को क्या कर देगा ये ब्लॉक कर देगा, यहाँ से ब्लॉक कर देगा एडरेनर्जिक एगोनोस्टिक इसका यानी डिफिनेशन हो गया। एग्जाम्पल देखा जाए तो नारएपिनेफ्रिन हो गया इपिनेफ्रिन तथा डोपामिन इसका एग्जाम्पल है। अब आपके लिए होमवर्क है बेटा, इसका आप क्या करिएगा डिफिनेशन देखें, कितने लोग ऐसे हैं कमेंट बॉक्स में लिख कर दिखाते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं एंटी रेदमिक ड्रग्स होता क्या है, एंटी रेदमिक ड्रग्स क्या होता है ड्रग्स विच हैव द एबिलिटी टू रिवेंट एनी इरेगुलर कार्डियक रिदम और रेट टू नॉर्मल आर नोन एज एंटी रेदमिक या एंटी डी यानी क्या होता है डिसरेदमिक ड्रग होता है, मतलब क्या होता है ऐसे सुनिए, हमारा जो हार्ट चलता है एक रिदम से चलता है, मतलब क्या होगा कब लब डब करना है कार्डियक साइकिल जब पढ़े ना तो 0.02 में उसी में क्या कर देता है टोटल 0.08 होता है, ठीक है, उसी में वो क्या कर देता है अपना कार्डियक साइकिल कंप्लीट करता है, उसमें कोई भी डिसऑर्डर होता है तो उसे क्या रिदम बोलते हैं, उसे जो चल रहा है उसी को क्या बोलते हैं रिदम बोलते हैं, तो उस रिदम को मेंटेन करने के लिए जिस ड्रग्स का यूज किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं एंटी रेदमिक ड्रग्स बोलते हैं, ठीक। एग्जाम्पल देखा जाए तो क्यूनिडीन सल्फेट होता है वेरापिरिमिडीन होता है और यानी फेनिटोइन सोडियम होता है, इसका तीन एग्जाम्पल यहाँ से दे दिया। अब नेक्स्ट पे आते हैं एंटी हाइपरटेंसिव क्या होता है, अब सबसे पहले हमें समझना हाइपरटेंशन क्या होता है, ठीक। देखिए हमारी ये यानी ब्लड वेसल है जिसे हम नस बोलते हैं, इसी में हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, ब्लड फ्लो हो रहा है तो क्या कर देते हैं ब्लड फ्लो क्या करते हैं हमारे वाल पे एक प्रेशर क्रिएट करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं बीपी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं,
ठीक है। तो अब ये वार्टिज पे जब क्या करती, नॉर्मल प्रेशर तो झेल लेता है, जब ये प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपर टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपर टेंशन बोलते हैं। ठीक, दो सबस्टेन विच आर यूज टू मेंटेन क्या डिक्रीज द हाइपर टेंशन इज नोन एज एंटी हाइपर टेंशन। मतलब क्या होता, इसी यानी हाइपर टेंशन को कम करने के लिए जिस दवा की यूज की जाती है उसी को एंटी हाइप यानी हाइपर टेंसिव ड्रग्स बोलते हैं, एजेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए तो प्रोपोनॉल नो लॉल होता है, रेमिप्रिलिस का एग्जाम्पल होता है। ठीक, नेक्स्ट पे चल। ठीक, अब क्या होता है, डायूरेटिक्स होता क्या, अब इसके बारे में समझिए। ठीक, कहते हैं कहते हैं अब सुनिए, पहले पे डिफिनेशन देख लेते तब एग्जाम्पल बताते हैं। दो ड्रग या सबस्टेन प्रमोट यूरिन आउटपुट आर नोन एज डायूरेटिक या रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर आयन इन रीअब्जॉर्शन ऑफ द ट्यूबरल फिल्ट्रेशन। मतलब क्या होता, कहते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब पेशाब रुक रुक के हो रहा है, तो सब दवा दे देते हैं कि हमारा यूरिन का फ्लो तेज हो जाता है। तो ऐसी ड्रग्स होती है जो हमारे यूरिन के फ्लो को तेज कर देती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डायूरेटिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखा जाए तो यानी क्या होता है, एसिटाजोलामाइन यानी जोलामीन हो गया, लैक्सिक सबसे फेमस है। ठीक है, अब क्या होता है, फुरसामाइड इसका एग्जाम्पल है। तो मतलब इतने सारे आपके क्या हो गए, यहाँ से डिफिनेशन हो गए, एग्जाम्पल। नेक्स्ट पे आते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या होता है, हाइपो मतलब कम होता, ग्लाइसेमिक मतलब क्या होता, ग्लूकोज लेवल होता। अब इसके बारे में सुनिए, दो सबस्टेंट डेट डिक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। मतलब एक ऐसा सबस्टेंट जो हमारे ब्लड के ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है उसे क्या कर दे, डिक्रीज यानी कम कर दे, उसी को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट बोलते हैं। और थोड़ा सा और डिफाइन करें, ट्रीटेड यानी ट्रीट ऑफ डायबिटीज, मतलब कहते हैं हमें यार शुगर हो गया, तो शुगर को ट्रीट करने के लिए जिस मेडिसिन का यूज करते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट बोलते हैं। एक घट भी जाता है, बढ़ भी जाता है। एग्जाम्पल देखा जाए तो क्या हो गया, मेटफॉर्मिन इसका एग्जाम्पल है, दूसरा ग्लिमिपराइड इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब क्या हो, एनाल्जेसिक इसका एग्जाम्पल, मतलब जो दर्द के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, दर्द के लिए यूज किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लिखा के एनाल्जेसिक एक ऐसा कंपाउंड होता है रिलीव द पेन, पेन को रिलीव करने में यूज करता है, उसे हम एनाल्जेसिक बोलते हैं, दर्दनाशक। डाइक्लोफेनेक एसाइक्लोफेनेक इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमें दे रखा एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। अब एंटी इन्फ्लामेटरी सोयलिन सूजन समझते हैं कि नहीं, कहते हैं यार घाव लग गया, सूजन हो गया, तो सूजन को कम करने के लिए जिस मेडिसिन की यूज की जाती है उसे एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट बोलते हैं। लिखा क्या है, दो सबस्टेंट टू रिड्यूस यानी रिड्यूस द यानी इन्फ्लामेशन यानी स्वेलिंग एंड पेन राइजिंग फ्रॉम इट आर टर्म एज एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट बोलते हैं। मतलब एक ऐसा एजेंट होता है जो क्या कर देता है, स्वेलिंग को कम करने के लिए और पेन को भी कम करने के लिए यूज करते हैं, उसे एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट बोलते हैं। जैसे जीरोडाल एस्पिक नाम सुने होंगे, इसमें क्या होता है, साइक्लोफेनेक होता है, पैरासीटामॉल होता है, तो प्लस सरसरियोपेप्टाइडेज होता है। ठीक, अब एस्प्रिन का नाम सुने होंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह यूज किया जाता है, मतलब जो ऐसी तरह जो सूजन में यूज की जाती है। मेडिकल वाले जो चाहते हैं लड़के वो बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, जो सूजन में दर्द में सूजन और दर्द में दोनों यूज की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं क्या, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट बोलते हैं। अब एंटी फंगल ड्रग्स क्या होता है, फंगल के अगेंस्ट जो वर्क करता है, लिख लेते हैं। दो सबस्टेन या ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट द फंगल इन्फेक्शन आर नोन एज एंटी फंगल एजेंट। मतलब एक ऐसा एजेंट होता है जो फंगस को सही करने के लिए यूज किया जाता है, उसी को एंटी फंगल एजेंट बोलते हैं। जैसे क्या हो गया, एम्फोटेरिसिन बी हो गया, यानी क्या होगा, कीटोकोनाजोल हो गया है और कोट्रामाजोल हो गया, ये तुम्हारा आता बहुत सारा पाउडर वगैरह भी आता है। ठीक है, अब क्या होता है, एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट क्या होता है, जो टीबी को सही करने के लिए यूज किया जाता है उसे एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट बोलते हैं। दोज एजेंट विच आर यूज टू ट्रीट ट्यूबरकुलोसिस, मतलब ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने के लिए जिस मेडिसिन की यूज की जाती है उसी को एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट बोलते हैं। देखिए, अब टीबी किससे होता है, इसका काजुटिव एजेंट माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। एग्जाम्पल देखा जाए तो INH होता है और क्या होता है, प्रीटोमानीड होता है या पैरासेल्सिलिक एसिड इसका एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट हमसे दे रखा एंटीवायरल एजेंट क्या होता, वायरस मतलब क्या होता, समझते हैं, वायरल मतलब वायरस होता है, वायरस को ट्रीट करने के लिए जिस मेडिसिन का यूज करते हैं उसे एंटीवायरल एजेंट बोलते हैं। लिखा क्या है, दो सबस्टेन या एजेंट विच वर्क अगेंस्ट द वायरस इज नोन एज एंटीवायरल एजेंट बोलते हैं। ठीक है, ऐसा सबस्टेन जो वायरस के अगेंस्ट वर्क करता है उसे एंटीवायरल एजेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए तो एसाइक्लोवीर हो गया और क्या होगा, फेमिपरीरामवीर इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक, यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया, प्यारा साहब देख सकते हैं। एंटी मलेरियल क्या होता है, ठीक, अब यहाँ पर लिखा एंटी मलेरियल एजेंट, नाम से ही पता, एंटी कहीं भी लगे तो उसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है। दोज मेडिसिन या ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट मलेरिया, मलेरिया को ट्रीट करने के लिए जिस मेडिसिन का यूज करते हैं, एजेंट का यूज करते हैं, ड्रग्स का यूज करते हैं, उसी को एंटी मलेरियल एजेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए तो क्यूनिन सल्फेट होता है और क्लोरोक्यूनिन फास्फेट होता है। ठीक, अब नेक्स्ट पे आते हैं, एंटीबायोटिक जो सबसे फेमस और सबसे
ताकतवर। ठीक है, बोलते हैं यार बुखार नहीं उतर रहा, एंटीबायोटिक दे तू, अंत भरने से ठीक हो जाए, दे तू ना मर दे। ठीक है, तो बोलते हैं क्या दो सबस्टे या मेडिसिन विच आर यूज किल करता है या प्रिवेंट करता है या स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड एंटीबायोटिक। मतलब क्या होता है, एक ऐसा सबस्टेंट जो क्या कर देता है बैक्टीरिया को, चाहे पूरी तरह से किल कर देगा या ग्रोथ को रोक देगा, ठीक है, या प्रिवेंट करेगा, उसी को क्या बोलते हैं एंटीबायोटिक बोलते हैं। ठीक है, देखा जाए तो टर्म दो है, एंटी प्लस बायोटिक। एंटी मतलब अगेंस्ट होता, बायोटिक मतलब मोस्टली बायो होता, बायो मतलब लाइफ यानी बैक्टीरिया, मोस्टली बैक्टीरिया होता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो एमोक्सिसिलिन हो गया, यानी क्या हो गया क्लैक्स यानी क्लैक्सिक सीन हो गया, और टेट्रासाइक्लिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन वगैरह बहुत सारा सुने होंगे, यहाँ पर आप ठोंक सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल पे आ गए हैं, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट क्या होता है। अब एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट क्या होता है, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट आर आल्सो कॉल्ड एज एंटी कैंसर एजेंट। मतलब ऐसा एजेंट जो क्या करता है कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट बोलते हैं। ठीक, तो यानी नियो एंटी नियोप्लास्टिक इज आल्सो नोन, आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, जो बताएं बताओ किसी ने किसी फॉर्म में, जैसे ये आपको दे देगा कह देगा किसका एग्जांपल, आपसे पूछ सकता है किसमें भी, किसमें पूछ सकता है एमसीक्यू या फिल इन दी ब्लैंक में पूछ सकता है। ठीक, लिखा है दो सबस्टेंट विच आर यूज टू ट्रीट कैंसर, मतलब कैंसर को ट्रीट करने के लिए जिस सबस्टेंट का यूज करते हैं या हेला सेल को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, उसे हम एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट बोलते हैं। सॉरी, क्या बोलते हैं जी, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट बोलते हैं। ठीक, या एंटी कैंसर एजेंट बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखा जाए तो फ्लोरोरास यानी सीन होता है, और सिस्पालाटीन होता है, साइक्लोफास्फामाइड होता है। इसका